हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं खुश और आशा करती हूं कि आप भी खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मैं आई हूं आज बहुत ही सुंदर जगह पे, और आप भी यहां पर कैसे आ सकते हो ये पूरी जानकारी मैं दूंगी इस वीडियो में। तो यहां आने के लिए मैंने ले ली है मेट्रो, और ये मेट्रो हमें उतारेगी जोरबाग। वहां पर से हमें लेना है एक ऑटो जो कि हमें नेहरू पार्क के गेट नंबर 5 पर छोड़ देती है। ये है यहाँ के कुछ इंस्ट्रक्शंस जिसको आपको फॉलो करने हैं। इसको आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ लें। तो हमारी एंट्री होती है गेट नंबर 5 से, और गाइस आपको एंट्री करते ही गार्डन के दोनों तरफ इतने सुंदर नज़ारे देखने को मिलेंगे कि आप खुश हो जाएंगे। गेट नंबर 5 से एंट्री करते ही आपको गार्डन दिखने शुरू हो जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप फूलों की घाटी में आ गए हों। ये देखिए गाइस, यहाँ हर तरफ फूल ही फूल है, और आपको इतना सुंदर लगेगा ना कि आप सोच नहीं सकते हैं। और अगर आपको इस पार्क में विज़िट करना है ना, तो अगले 15 दिनों के अंदर विज़िट ज़रूर कर लें, क्योंकि उसके बाद शायद से सारे फूल जो है सूखने शुरू हो जाएंगे। ये देखिए गाइस, अगर आपको वीडियो में इतने सुंदर लग रहे हैं, तो यकीन मानिए अगर आप सचमुच में देखोगे तो आपको ये और भी सुंदर लगेंगे। तो ये थी गेट नंबर 5 की एंट्री गेट का व्यू। दोस्तों, ये पार्क 80 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है, तो अब मैं आपको लेकर चलती हूँ इस पार्क के और भी भागों में। इससे आगे बढ़ने पर मुझे दिखा बाबा फकर सिंह जी महाराज का आश्रम या मंदिर जो भी है। और ये देखिए गाइस, ये कितना खूबसूरत पार्क है, मैं बता नहीं सकती। तो अभी मैं चलती हूँ आगे। यहाँ पर कुछ नॉर्थ ईस्ट के लोग जो हैं वो इंजॉय कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तो अभी मैं चलती हूँ और आगे। ये देखिए गाइस, पार्क का हर हिस्सा इतना सुंदर और इतना खूबसूरत है ना कि कहीं पर भी आप बिना फ़ोटो क्लिक करवाए आगे नहीं जा सकते। यहाँ पर काफ़ी वैरायटी में पेड़ और शो प्लांट्स लगे हुए हैं, और पौधों की भी काफ़ी वैरायटी है यहाँ पर, जैसा कि आप देख सकते हो। आप फैमिली के साथ सुबह आओ और दिन भर यहाँ पर मजे कर सकते हो। तो चलिए गाइस, चलते हैं आगे और देखते हैं और क्या है। तो यहाँ पर इन रास्तों में मैट बिछे हुए हैं, और ये देखिए ये कितने सुंदर लग रहे हैं सारे देखने में। तो मैं चलती हूँ आगे, देखती हूँ और क्या है। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग जॉगिंग कर रहे हैं और वॉक कर रहे हैं। तो देखती हूँ आगे क्या है। तो ये मुझे दिखा एक सुंदर सा रास्ता, जो देखती हूँ कहाँ जाके ख़त्म होता है। और आसपास आप जितने जगहों पर देखोगे ना, हर जगह पे फूल ही फूल आपको दिखेंगे। ये देखिए, पेड़ के पत्ते भी सुंदर लग रहे हैं यहाँ पर तो। और ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं फूल। तो आगे मुझे मिला एक ब्रिज, जो कि कुछ हैंगिंग ब्रिज जैसा है बना हुआ, और चलने इस पे चलने के बाद थोड़ा सा ना ये हिलता भी है। तो ये देखिए, बच्चे चल रहे हैं और मैं भी पार करती हूँ इसको। और ये एक्चुअली एक छोटी सी नहर जैसी चीज़ पर बनी हुई है ये। आई थिंक बारिश में इसमें पानी भी होता होगा, बट अभी सूखी पड़ी है ये। तो ये लो, मैंने भी इस ब्रिज को पार कर लिया है, और ये देखने में कुछ इस तरह का लगता है, जैसा कि आप देख सकते हो। आगे बढ़ने पर मुझे दिखता है एक छोटा सा फाउंटेन एरिया, जिसमें 2 फाउंटेन लगे हुए हैं, और यहाँ पे सिटिंग एरिया भी बने हुए हैं। तो आप यहाँ पर बैठ के आराम से और फाउंटेन देख सकते हो। आप चाहें तो यहाँ पर मेडिटेशन भी कर सकते हो। आगे बढ़ने पर मुझे दिखी एक छोटी सी ब्रिज, जिस पे आप उस तरफ जा सकते हो। और इससे आगे है ये सुंदर सा एरिया, और यहाँ पर लगी है एक छोटी सी बोर्ड। तो मैं आपको बताती हूँ कि इस पे क्या लिखा है। इस पे लिखा है कि पत्तियों को जलाएं नहीं, इसको ज़मीन में दबा दें, और फूलों को बिल्कुल ना तोड़ें। तो अब मैं चलती हूँ आगे और देखती हूँ कि और आगे क्या है। यहाँ पर जन सुविधाएँ भी बनी हुई हैं, और अब मैं चलती हूँ वापस और बढ़ती हूँ आगे। दोस्तों, मैं यहाँ पर एक बात और बताना चाहती हूँ। जैसा कि दिल्ली के और पार्कों में होते हैं
कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा कपल दिखते हैं, लेकिन इस पार्क में आपको कपल बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। आप फैमिली बच्चों को लेकर यहाँ पर आ सकते हो और अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो, उन्हें बहुत मज़ा आएगा। तो आइए देखते हैं दिल्ली के कश्मीर को। ये देखिए ये कितना सुंदर है गाइज। मैं पिछले महीने मुगल गार्डन गई थी, लेकिन मुझे अब लगता है कि मुगल गार्डन से कहीं ज़्यादा फ्लावर्स आप यहाँ आकर देख सकते हो, और ये बिल्कुल सही समय है यहाँ पर आने का। ये देखिए मुझे लग रहा है कि मैं कश्मीर में आ गई हूँ, फूलों की घाटी में आ गई हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है। और गाइज वीडियो में आप ये अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो कि ये सचमुच में कितना सुंदर है। आप यहाँ पर बैठकर घंटों टाइम स्पेंड कर सकते हो, आप ज़रा भी बोर नहीं होंगे, फ़ोटो खिंचवा सकते हो, रील्स बना सकते हो, जैसा कि सारे लोग बना रहे हैं। गाइस यहाँ आने का वेट मैं कई दिनों से कर रही थी, मैंने कई बार चेक किया था नेहरू पार्क को, तो इससे पहले इन्होंने फूल लगाए थे, तो ये जो सर्कल देख रहे हो ये पूरी जाली से घिरी हुई थी। जब इसमें सारे फ्लावर्स निकल आए हैं तभी इसे खोला गया है, और मैं इस टाइम का वेट कर रही थी ताकि मैं यहाँ जाऊँ। और अगर आपको भी इस नज़ारे का लुत्फ़ उठाना है तो अगले 15 दिनों के अंदर आप यहाँ पर विज़िट कर लें, उसके बाद आपको ये व्यू अगले साल ही देखने को मिलेंगे। लोकेशन की डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल ली है, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो। मेरा मन यहाँ से जाने का बिल्कुल नहीं कर रहा है, लेकिन मुझे पार्क की और भी सारी चीज़ें कवर करनी है आपके लिए। तो दोस्तों मैं लेके चलती हूँ आपको और भी सुंदर सुंदर नज़ारे दिखाने के लिए। तो मैं इस फ्लावर सर्कल को करती हूँ बाय और चलती हूँ आगे। आप इन पत्थरों को भी एज अ सिटिंग एरिया समझ के बैठ सकते हो, और काफ़ी रिलैक्सिंग है यहाँ पर माहौल। ये देखिए इसके चारों तरफ का नज़ारा, और मैं चढ़ती हूँ इसके ऊपर, देखती हूँ कि उस तरफ क्या है। और ऊपर से आपको इस पार्क का एक व्यू दिखाती हूँ। उस तरफ है सड़क, ये देखिए इसके ऊपर से इसका व्यू कितना प्यारा है। तो चलिए मैं आपको इस पार्क का एक और ही बहुत ही सुंदर सीन दिखाती हूँ, यकीन मानिए वो भी आपको बहुत ही सुंदर लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पर एक आगे जाती है और लेफ्ट की तरफ जाती है, तो मैं किसी पे नहीं जाऊँगी, मैं निकलती हूँ इसके बीच से और देखती हूँ कि आगे क्या है। दोस्तों आगे बना है रोज़ गार्डन, जिसमें काफ़ी सारे रोज़ के प्लांट्स लगे हुए हैं, और अलग अलग किस्म के अलग अलग कलर के यहाँ पे रोज़ लगे हुए हैं, आप देख सकते हो। और जैसे ही आप इस रोज़ गार्डन में एंट्री करते हो, आपको गुलाब की भीनी भीनी खुशबू इतना अच्छा लगता है, इतना मन मोह लेता है, मैं क्या ही बताऊँ। ये देखिए काफ़ी सारे वैरायटी के गुलाब हैं यहाँ पर, और आपको बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पर, एक बार ज़रूर आप आके विज़िट करके देखें। अगर इस पार्क को दिल्ली का सबसे सुंदर पार्क कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ये गार्डन काफ़ी दूरी तक फैला हुआ है, और मैं तो चाहती हूँ कि बस मैं यहीं पे बैठ जाऊँ और इसकी खुशबू लेती रहूँ। लेकिन गाइस एक बात और है, यहाँ पर आने के बाद आप फूलों को बिल्कुल ना तोड़ें, क्योंकि फूलों की सुंदरता तभी तक है जब तक वो डाली से लगी हुई है।
और ये देखिए यहाँ पर कुछ लोग अपने तरह से रिलैक्स कर रहे हैं पत्ते खेलकर। तो अलग अलग लोगों की रिलैक्स करने का तरीका अलग अलग होता है। तो चलिए अब मैं चलती हूँ और आगे, और आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या है। यहाँ पर कुछ छोटे छोटे पिरामिड्स के आकार के कुछ टीले से बने हुए हैं बच्चों के लिए, और इस तरह से पकड़ के इस पर चढ़ना होता है। जैसे आप देख सकते हो बच्चे चढ़ रहे हैं, ये एक तरह का गेम है। यहाँ पर ढेर सारे कौवे पानी पीने के लिए आए हैं। तो मैं अब आपको दिखाती हूँ एक और सुंदर सा नज़ारा, जिसको आप देख के और खुश हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। तो गाइज मैं यहाँ पर आई थी बड़ा सा फाउंटेन देखने के लिए, लेकिन फ़िलहाल ये बंद है। तो देखती हूँ कि ये क्यों बंद है और कब तक स्टार्ट होगा भी या नहीं होगा, ये पता करके देखती हूँ। यहाँ पर चल रहा है कंस्ट्रक्शंस का काम, और मुझे लगता है कि साफ़ सफाई भी अंदर हो रही है। तो देखती हूँ मैं आगे जाके। वाओ गाइस, मुझे तो यहाँ पर इतना सुंदर लग रहा है ना, मैं क्या बताऊँ। तो गाइस ये रहा वो फाउंटेन एरिया, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। जब ये फाउंटेन चलता होगा तो कितना सुंदर लगता होगा आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके सामने ये सिटिंग एरिया बने हुए हैं, जहाँ पे आप बैठ के इन सुंदर से नज़ारों का आनंद ले सकते हो। तो मैं भी थोड़ी थक गई हूँ, तो मैं भी यहाँ पर बैठ के थोड़ा रिलैक्स कर लेती हूँ और आगे चलते हैं फिर। तो मैं यहाँ के आसपास की चीज़ों को कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पर कुछ बने हुए हैं, एक्टिविटी पार्क बने हुए हैं, जहाँ पर लोग एक्सरसाइज करते हैं आकर। आप देख सकते हो बच्चे बड़े सारे लोग कोशिश कर रहे हैं। मैं अब चलती हूँ नीचे और कोशिश करती हूँ और भी चीज़ों को कवर करने की। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ और यहाँ पर कुछ लिखा हुआ, तो चल के पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। तो ये रही अपने काम की चीज़, आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर टाइमिंग लिखी हुई है फव्वारा चलने की, और कुछ चेतावनी भी दी गई है, तो इसका ध्यान रखें। और इसके अंदर मैं जाकर देखती हूँ, पहले मैं आपको ऐसे ही व्यू दिखा देती हूँ, उसके बाद फव्वारा चलेगा उसके बाद का व्यू आपको दिखाऊंगी। ये दो भाई साहब एक दूसरे को देख के एक्सरसाइज कर रहे हैं और एक दूसरे से प्रेरणा ले रहे हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर और आपको दिखाती हूँ मैं। आई डोंट नो ये रियल घास है या फिर मैट बिछा हुआ है, लेकिन काफ़ी ये सुंदर है। तभी ये दोनों भाई साहब पूरे पार्क को छोड़ के यहीं पर आके एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो गाइस टाइम हो गए हैं 4:45 और फव्वारा चलने में अभी 15 मिनट टाइम बचे हुए हैं। तो चलिए कुछ और देखते हैं। तो फाउंटेन स्टार्ट हो गया है और अब आप देख सकते हैं यहाँ के सुंदर से नज़ारे। तो ये देखिए गाइस, ये कितना सुंदर लग रहा है, मैं क्या बताऊँ आपको। मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसे ही फाउंटेन स्टार्ट हुआ, यहाँ पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है फ़ोटो क्लिक करवाने और रील्स बनाने के लिए। इस पॉन्ड में कमल के फूल भी लगे हुए हैं, लेकिन अभी फूल खिले हुए नहीं हैं, लेकिन इसके पत्ते जो हैं इस पॉन्ड की खूबसूरती को और बढ़ा रहे हैं, आप देख सकते हो। तो
आप आराम से इस सिटिंग एरिया में बैठ जाओ और घंटों तक इस नज़ारे को निहारते रहो। आप बिल्कुल भी बोर नहीं होगे, बहुत ही रिलैक्स। आप चाहें तो योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, और ये जो फवारों की आवाज़ें हैं और उसके फुहारे हैं वो आपको यहाँ तक महसूस होगी। तो चलिए मैं भी कुछ देर इसको निहार लेती हूँ, क्योंकि अब मुझे निकलना है घर के लिए और काफ़ी शाम हो चुकी है। तो अगर आप दिल्ली कभी आते हो या फिर दिल्ली NCR में रहते हो तो एक बार इस जगह को विज़िट ज़रूर करें। और अब तो ये मेरी फेवरेट जगह बन चुकी है और मैं यहाँ पर बार बार आना चाहूँगी। तो चलिए मैं अब निकलती हूँ अपने घर के लिए, क्योंकि 6 बज चुके हैं और निकलते टाइम मुझे ये सुंदर सुंदर बर्ड्स दिख गए जो दाना खा रहे थे और पानी पी रहे थे, तो मैंने इनको भी कवर कर लिया है। और ये रही इसकी पार्किंग एरिया, जहाँ पे अगर पर्सनल आप व्हीकल से आते हो तो आप यहाँ पर पार्क कर सकते हो। तो मैंने ले लिया है एक ऑटो और मुझे जाना है मेट्रो के लिए, तो मैं पहुँच चुकी हूँ मेट्रो। गाइस कमेंट करके मुझे बताइए आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, मैं इस तरह की वीडियो लाती रहती हूँ। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।